इस सत्य ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है, जो अभी परमात्मा बता रहे हैं। और आत्माओं को रावण की जेल से मुक्त करके राम राज्य में चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। राम परम पिता परमात्मा शिव का प्रतीक है। राम शब्द दो भाव अर्थ से याद किया जाता है। एक राम परमात्मा का प्रतीक है और दूसरा राम त्रेता का राजा होता है। राम परमात्मा सीता रूपी आत्माओं को पांच विकारों के बंधन से मुक्त करते हैं, इसलिए आत्माएं राम अर्थात परमात्मा को याद करती हैं। दूसरा राम जो त्रेता का राजा बनता है, वह इस राजयोग की पढ़ाई में फेल होने के कारण अर्थात कम मार्क्स लेने के कारण त्रेता का राजा बना, सतयुग का महाराजा नहीं बन सका। अनभिज्ञता के कारण मनुष्यों दोनों राम को एक समझ लिया है। वास्तव में जैसे सतयुग की गद्दी का नाम लक्ष्मी नारायण है, वैसे ही त्रेता की गद्दी का नाम सीताराम है। विष्णु चतुर्भुज के समान ही रावण अपवित्र युगल स्वरूप का प्रतीक है। इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है। रावण कोई लंका का राजा नहीं था, बल्कि सारी दुनिया ही लंका है और सारी दुनिया में रावण का राज्य है। 10 शीश वाला कोई मनुष्य ना हुआ है और ना ही हो सकता है। 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री के मिलाकर 10 शीश वाला रावण दिखाया गया है। रावण को बहुत विद्वान दिखाते हैं, फिर भी उसके ऊपर गधे का शीश भी दिखाते हैं। रावण की नाभि में अमृत दिखाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ये विकार सहज नहीं मरते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। इसलिए रावण पर जीत पाने के अभिलाषी पुरुषार्थियों को सदैव सचेत रहना चाहिए और अंत तक पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना चाहिए। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। विष्णु को 4 भुजाएं, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, यह क्या है? किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात ड्रामा की नॉलेज देते हैं। ये महावाक्य साकार बाबा के 7 फरवरी 2005 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते, बाप आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये महावाक्य साकार बाबा के 8 फरवरी 2005 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते, राम ने भी कम मार्क्स लिए, तब तो क्षत्रिय दिखाया गया है। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को धनुष बाण क्यों दिखाया गया है, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया गया है। ये महावाक्य साकार बाबा के 2 फरवरी 2005 को रिवाइज कराए थे।
आगे बाबा कहते आत्मा विकारी मार्ग में जाती, आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं है तो विकार हो कैसे सकता है, वहां है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। एक बार चिन्मयानंद कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के कोई सिकला नहीं सकते तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी यह आवाज हो। ये महावाक्य साकार बाबा के 20 सितंबर 2004 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते बाप के बनते हैं तो माया से युद्ध चलती है, युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है, फिर न वहां के रहते और न यहां के रहते हैं। ये महावाक्य साकार बाबा के 10 नवंबर 2004 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते अभी हम पराए राज्य में हैं, आगे हम रावण राज्य को अपना राज्य समझ बैठे थे, यह भूल गए कि पहले हम राम राज्य में थे। 84 के चक्र में आने से रावण राज्य दुख में आकर पड़े हैं, दुख में आकर फंस गए हैं। ये महावाक्य साकार बाबा के 15 नवंबर 2004 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है तो रावण जयंती भी भारत में ही होती है। ये महावाक्य साकार बाबा के 20 नवंबर 2004 को रिवाइज कराए थे। अब प्रश्न उठता है, रावण राज्य क्या है जिसके कारण आत्मा विकार में चली जाती है, और रावण राज्य के कारण आत्मा विकार में जाती है, या आत्मा के विकार में जाने से रावण राज्य शुरू होता है? इनका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, देह अभिमान ही रावण है जिसके आने से आत्मा बाम मार्ग अर्थात विकार में चली जाती है। काम विकार में जाने से आत्मा दुखी हो जाती है। अजर अमर आत्मा भी काम विकार के कारण मृत्यु दुख को सहन करती है। काम विकार आत्मा के दुख का मूल कारण है। काम विकार ही रावण राज्य की मुख्य पहचान है। अर्थात त्रेता युग के अंत में भल आत्मा की 4 कलाएं कम हो जाती हैं, परंतु उस समय तक रावण राज्य नहीं कहा जाता है क्योंकि आत्मा काम विकार में नहीं जाती है। द्वापर के आरंभ होते ही आत्मिक शक्ति पर देहाभिमान हावी हो जाता है जिसके कारण आत्मा काम विकार में जाती है, और वहां से ही रावण राज्य अथवा नर्क शुरू होता है जो कलयुग के अंत तक रोरव नर्क बन जाता है, क्योंकि वहां सभी आत्माएं काम के वशीभूत हो जाती हैं। द्वापर में काम जहां संतान उत्पत्ति का साधन था, वहीं कलयुग के अंत में काम वासना
मनोरंजन का एक साधन बन जाता है। आगे बाबा समझाते, बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में पेट मत देते हैं। यह सभी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण, तुम जानते हो। हम देवता बनेंगे फिर पतित बनना जरूर है। ये महावाक्य साकार बाबा के 20 अप्रैल 1973 को रिवाइज कराए थे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के ड्रामा के अनेक रहस्यों को जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।